किरण बेदी कहती हैं अरविंद को बहुत टाइम मिलेगा फिल्में देखने का, जब उनसे पूछा कि वो फिल्म देखने गए आप क्यों नहीं देख रही हैं, अब कौन बताए इनको कि बकायदा इनके लिए एक फिल्म से कम थोड़ी है, हर दिन एक नई स्क्रिप्ट। खैर, नतीजे से पहले केजरीवाल खेमे में जबरदस्त जोश दिख रहा है, केजरीवाल को बधाइयां और मिठाइयां मिल रही हैं, रिश्तेदारों का जमावड़ा भी जुटने लगा है, तो शपथ ग्रहण की जगह और तारीख भी तय हो गई है। राजनीति शायद इसी को कहते हैं। केजरीवाल अपने घर में तरह तरह की योग मुद्राएं दिखा रहे हैं और उधर बीजेपी खेमे में खलबली मची है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियां सच के करीब रही तो विरोधी भी मानेंगे कि योग प्रेमी केजरीवाल का राजयोग कितना मजबूत रहा। शायद ये राजयोग ही है जिसने केजरीवाल को एक बार फिर सत्ता की दहलीज तक खींच लाया है। अब जो एग्जिट पोल से एक संभावना पैदा हो रही है, दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो उसमें 10 तारीख को आशानुकूल नतीजे मिलने के बाद हम एक बेहतर दिल्ली का संकल्प जो हमने दिल्ली वालों के सामने प्रस्तुत किया था उस दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर एक सामान्य रूपरेखा की चर्चा होगी। जरा केजरीवाल के घर का नजारा देखिए, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, हाथों में मिठाइयों के डिब्बे हैं, रिश्तेदारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जनादेश आने से पहले शपथ की तारीख और जगह दोनों तय हो चुकी है। उन्होंने जी 15 तारीख का इनविटेशन दिया है और 15 तारीख को वो कह रहे हैं ओथ लूंगा मैं रामलीला ग्राउंड में। चलिए, एक बड़ी खबर है कि 15 तारीख को उन्होंने तय कर दिया है कि वो रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। सर, आप लोग सब पहुंचेंगे वहां पर? हाँ, जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और रामलीला ग्राउंड का एक किस्म से ऑलमोस्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक छोटा सा राज्य दिल्ली जिसे अभी भी पूर्ण राज्य के वजूद की तलाश है, वही दिल्ली जिसके सीएम के पास आधे अधूरे अधिकार है, लेकिन केजरीवाल के उदय ने दिल्ली को दुनिया की निगाहों में ला दिया है। शुभचिंतकों का जमावड़ा केजरीवाल के घर पर जुटने लगा है। बिल्कुल, ये 100% श्योर है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक ऑनेस्ट सरकार बनेगी, ईमानदार सरकार, स्वच्छ सरकार बनेगी और जिससे हम हमारा आनाराई का ही नहीं सिर्फ पूरे दिल्ली का भला होगा। लेकिन जश्न के इन पलों में केजरीवाल समर्थक अतिरिक्त सतर्कता भी बरत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के स्वयं सेवक उन तमाम स्ट्रांग रूम की बाहर से पहरेदारी कर रहे हैं जहां ईवीएम रखे गए। यहां पर हम खड़े हैं समय अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे, जहां पर ईवीएम मशीनें जो हैं वो अंदर बंद हैं। पुलिस की यहां पर मुस्तैदी के साथ में सुरक्षा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ताला लगा दिया गया है, कुंडी लगी हुई है, किसी को भी यहां पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है बशर्ते वो कोई भी शख्स हो। पूरी सुरक्षा यहां पर तैनात है और किरण बेदी समेत पूर्वी दिल्ली के जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत अंदर जो ईवीएम मशीन से अंदर आप देख पा रहे हैं कि वो जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स उसके अंदर मशीन से उसके अंदर तैनात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवकों की पहरेदारी ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आम आदमी पार्टी की नजर में चुनाव आयोग ईवीएम की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है।